हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एट होम। तो मैं रश्मि आज आपको बताने वाली हूँ कि एक ड्रेस को 5 डिफरेंट फेस्टिव स्टाइल में कैसे पहना जाए। इस तरीके से हमें उसे पहनना है कि वो फेस्टिव लुक भी लगे और प्राइस कम और हैवी लुक दिखे। थोड़ा सा आपको इसे फिटिंग करना है, ये इस तरीके से। इसका वीडियो अगर आपको देखना है कि मैंने ये कहाँ से खरीदा है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताने वाली हूँ। इसे आप इस तरीके से वियर कर सकते हैं। ओनली 335 रुपीज़ की ये ड्रेस है, 335 रुपये में मुझे नहीं लगता कि कोई कॉस्टली ड्रेस है। इसे इस तरीके से वियर कीजिए और इसके साथ में कोई भी हैवी इयररिंग्स बैंगल आप मैच कर लीजिए, तो वो बहुत ही ज़्यादा फेस्टिव लुक दिखेगा। छोटी मोटी पार्टी में आप इसे ऐसे भी वियर कर सकते हैं। सेकंड मैं बात करने वाली थी, इस तरीके से मेरे पास में एक जैकेट है थ्रेड वर्क की, जो कि पंजाबी लुक देता है थोड़ा सा। तो इस तरीके से उसे इस पर अगर हम वियर करते हैं तो ये बिल्कुल डिफरेंट लुक हो जाता है और एक पूरा पंजाबी लुक इसमें दिखाई देता है। तो ये इस तरीके से आप सेकंड लुक वियर कर सकते हैं। हैवी ब्रेसलेट आप इसके साथ में वियर कीजिए, बैंगल्स वियर कीजिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट करता है। तो इस तरीके से हम इस जैकेट को वियर करते हैं तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट और बिल्कुल पंजाबी लुक क्रिएट करता है। जो थर्ड लुक है हमारा, इस तरीके से मैंने इस पर एक हैवी दुपट्टा लिया है, कॉन्ट्रास्ट का दुपट्टा है। ये पूरा येलो कलर का सूट है, तो मैंने रेड कलर का मल्टी कलर दुपट्टा इस पे लिया है। आप कोई भी हैवी दुपट्टा रेड कलर में या पिंक कलर में इस पर ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करता है। ये भी फुलकारी दुपट्टा मेरे पास में रखा था, तो मैंने उसी को इस तरीके से लिया है। और आप ये देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा लुक क्रिएट होता है, बहुत ही अच्छा और हैवी लुक दिखता है। पूरे जो सूट की कीमत है ना, वो कुछ ज़्यादा ही दिखने लगती है इस लुक में। जो भी क्लॉथ हम रेडीमेड परचेस करते हैं ना, तो उनकी प्रॉपर फिटिंग नहीं आती, तो एक बार आप उसे अच्छे से फिटिंग कर लीजिए सूट को, तो उसका लुक 10 गुना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो आपको जो भी सूट पहनना है वो फिटिंग में पहनना है। और इस तरीके से ये थर्ड लुक हमारा क्रिएट हुआ है। बैंगल्स आप ले लीजिए और इस तरीके से फुलकारी दुपट्टे के साथ में ये मेरा है तीसरा लुक। अब बात करते हैं फोर्थ लुक क्रिएट करने की, तो वो भी मैं इस दुपट्टे से ही क्रिएट करने वाली हूँ। आप इसके बदले कोई भी हैवी दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं, ये ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इस तरीके से हमें दुपट्टे को लेना है और पीछे से इस तरीके से इसे दूसरे कंधे पर भी इस तरीके से रख लेना है। दोनों को बराबर में कर लीजिए आगे के पोर्शंस को। देखिए इस तरीके से आप बैंड लगाएंगे ना, तो ये पूरा इस तरीके का पंजाबी लुक क्रिएट होगा। इसमें ये फुलकारी चुन्नी की पूरी जैकेट तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हमें कोई भी बेल्ट या रिबन लगाना है। मेरे पास में अभी कोई मैचिंग का बेल्ट अवेलेबल नहीं था, मैंने इस तरीके से दोनों को कॉर्नर्स को लेकर यहाँ पर पिन से टक कर लूँगी, तो ये इस तरीके का जैकेट क्रिएट हो जाएगा। और ये हो गया हमारा फोर्थ लुक बिल्कुल रेडी। ये देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। तो आपको कौन सा लुक इसमें से पसंद आया ना, आप मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी जल्दी इस पर लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ में, जिससे कि वो भी इस फेस्टिव सीजन में धूम मचा सके। तो ये था हमारा फोर्थ लुक। नाउ फिफ्थ लुक क्रिएट करने के लिए मैंने सिर्फ यूज़ किया है यहाँ पर कुर्ता, ये देखिए इस तरीके से। और मैंने इसे कोई भी कॉन्ट्रास्ट की लेगिंग या प्लाजो के साथ में आप इसे वियर कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई कॉन्ट्रास्ट की स्कर्ट है ना, तो क्या कहने, वो तो फिर धूम ही मचा देगी। तो इस तरीके से मैंने इसे लेगिंग के साथ में वियर किया है। और साथ ही मैं अगर आप इस पर दुपट्टा भी ले लेंगे तो ये और भी ज़्यादा हैवी लुक क्रिएट हो जाएगा। तो ये थे मेरे 5 बिल्कुल ब्यूटीफुल और हैवी लुक स्टाइल सिंगल ड्रेस के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से कौन सा लुक आपको पसंद आया और कौन सा लुक आपको सबसे ज़्यादा 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 अच्छा लगा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।